वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ डिजी मेंटो में, और जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक, इसका नाम है G20। देखिए, G20 समिट अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है और ये अर्जेंटीना में हुआ है। ये 2018 का समिट था और इस समिट की जो थीम रखी है वो है बिल्डिंग कंसेंशन फॉर फेयर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर G20 के बारे में बात करें तो G20 बेसिकली है क्या, कैसे हम G20 को समझेंगे, क्या क्या इसमें होता आया है, और देशों ने यहाँ पर मतलब जो देश यहाँ पर आए G20 में कितने देश हैं, वो सब हम लोग थोड़ा उस पर एक एक नज़र डालते हुए चलेंगे, धीरे धीरे उनको समझते हुए चलेंगे। देखिए, G20 असल में पहली बार कोई ऐसा देश मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि ये साउथ अमेरिका का पहला ऐसा देश है जहाँ पर ये इस बार आयोजित किया गया है G20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा भी है, रिसेंटली G20 समिट हेल्ड इन द ब्रूनोस एरियस अर्जेंटीना। ठीक है, तो अर्जेंटीना में ये समिट हुआ है और जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, और इसमें हम देखिए देशों में कौन से देश हम ले सकते हैं, ऐसे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर दोनों देश मिलकर के आपस में डिस्कशन करते हैं और भविष्य में होने वाली संभावनाओं पे बात करते हैं। असल में जो G20 समिट है वो शुरू क्यों किया गया उसको हम पहले देख के चलते हैं। देखिए, 1997 में जब इकोनॉमिक्स क्राइसिस हुआ पहली बार, तब वहाँ पर काफ़ी जो विकसित देश हैं और विकसित देश हैं यानी कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, इन देशों के जो बैंकर हैं यानी कि बैंक के जो गवर्नर हो गए, हमारे जैसे बैंक है, हमारा यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेंट्रल बैंक से आप वो CBI कंसिडर मत करना, हम देश का सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं तो वो होता है हमारा RBI, और RBI के जो गवर्नर होंगे ठीक वो इस समिट में पहले पार्टिसिपेट करते रहे होंगे और अभी भी वही था। तो और इससे क्वेश्चन आता है कि अभी रिसेंट में जो RBI के गवर्नर हैं उनका नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। अब RBI के जो बैंकों के गवर्नर थे वो, और वित्त मंत्री हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो, ठीक है, वो सब मिल करके एक बैठक करते थे और समझते थे कि भाई ये किस प्रकार से आगे चलना चाहिए, इकोनॉमी कैसे होना चाहिए कि वापस से इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो। तो इन सब बातों को लेकर 1997 तक अगर शुरू किया जाए तो 1999 में पहली बैठक आयोजित की गई इसकी, वो की गई थी पहली बैठक आयोजित कहाँ पर, बर्लिन में। तो उसको बहुत ध्यान में रखिएगा, बर्लिन में पहली बैठक आयोजित की गई थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो G20 ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल कॉरपोरेशन की आप बात करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक अर्थव्यवस्था को देखते हैं, शक्तिशाली देश अपनी बातें रखते हैं कि विकासशील देशों को किस प्रकार से विकास करना चाहिए, तो उस प्रकार की सारी बातें की जाती हैं, यहाँ पर डिस्कशन उस प्रकार से किया जाता है। अब देखिए एक और मज़ेदार बात है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सॉरी अब देखिए यहाँ पर एक और मज़ेदार बात है जो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि इंडिया G20 समिट को 2022 में होस्ट करने वाला है। तो इसको ध्यान में रखिएगा बहुत ज़्यादा कि 2022 में इंडिया होस्ट करेगा और जापान 2019 में करेगा, यानी कि अगला जो G20 समिट होने वाला है वो 2019 में जापान में होगा और उसके बाद सऊदी अरेबिया 2020 में है। तो शेड्यूल इनका क्या सेट है, 2019 जापान, तो जापान, सऊदी अरेबिया और इंडिया, तो इस प्रकार से आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 19 के बाद जो 21 वाली बात है, 21 वहाँ पर बात नहीं, 21 गायब है समझ ली, तो 21 में समिट अभी डिसाइड नहीं हुआ कौन करेगा कहाँ पे होगा, अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। तो जहाँ पर भी डिसाइड है वहाँ का हमने डिस्कस में किया है। आगे अगर G20 में बात करें तो देखिए यहाँ पे वेरियस कंट्रीज आपस में मिलते हैं, जो चाइना है, एक्चुअली में क्या हुआ कि चाइना देश जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ पर जो ट्रेड एंड कॉमर्स होते हैं, जो दो देश मिलकर आपस में व्यापार करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो चाइना का जो व्यापार है, जो चाइना अमेरिका में जो एक्सपोर्ट करता है, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर काफ़ी हाई ड्यूटी कर दी, तो वो ड्यूटी बढ़ा करके 25% तक कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो यहाँ पर जो चाइना के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो चाइना के जो प्रधानमंत्री हैं वो सब, उनका कहना है कि इसको वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% करें, 25% बहुत ज़्यादा है। इससे क्या हो रहा है कि उनकी मार्केट बिल्कुल बेकार हो रही है, क्योंकि चाइना की, तो चाइना ने उम्मीद जताई है कि यहाँ पर अगर G20 समिट में जाकर वो बात करेंगे तो शायद जो डोनाल्ड ट्रंप ये खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो उनकी बात को मान जाएंगे और
आराम से और एक स्मूथ व्यापार करने का मार्ग उनको वो देंगे। देखिए G20 एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय, यानी कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एजेंडा, ठीक है, कि सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु एक मंच प्रोवाइड करता है, और ये दुनिया की सबसे उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ एक मंच पर लेके आता है, जहां पर वो आने वाली संभावनाओं की और होने वाली समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। और G20 एकमात्र ऐसा सम्मेलन भी हम कह सकते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के आईएमएफ और विश्व बैंक, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं। अब देखिए आईएमएफ जो है ये क्या करता है, ये भी एक लोन प्रोवाइड करता है, ये खास तौर पे जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उनको लोन प्रोवाइड करता है, और विश्व बैंक भी। और खास तौर पे यहाँ पे मैं एक मजेदार बात आपको बता दूं कि भारत का शेयर आईएमएफ, हाँ यहाँ पे मैं एक मजेदार बात आपको बता दूं कि भारत का शेयर आईएमएफ में तो है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है कि विश्व बैंक से जब भी लोन लेने की जरूरत पड़े तो विश्व बैंक से लिया जाए। और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसमें विश्व बैंक के सहयोग से मिल करके भारत क्या कर रहा है भाई, सड़कों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। और एक अभी क्या कहते हैं, एक अटल नल योजना, एक जल योजना आई है, तो उसमें भी विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर के भारत योजना को आगे बढ़ा रहा है। तो जो देश आईएमएफ से लोन लेते हैं तो उनके एक ऐसी बैड इमेज बन जाती है कि भाई देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, ठीक है, कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए भारत बचता है, भारत ने तकरीबन लास्टली 1991 में आईएमएफ से लोन लिया और वो लोन वो कंप्लीटली चुका चुका है, क्लियर कर चुका है। तो उसके बाद अब तक भारत हमेशा बचता है कि उसे आईएमएफ से लोन लेना पड़े। और 1990 के दशक की अगर आप बात करें तो 1991 में प्रधान हमारे जो उस टाइम अभी जो उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी मैं प्रधानमंत्री उनको बोलने जा रहा हूँ लेकिन वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, तो उनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कौन सी स्कीम लॉन्च की थी जिससे हमारे लिए पूरी दुनिया के द्वार खुल गए थे, तो उस स्कीम का नाम आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मैं मेंबर्स की बात करूँ तो G20 में कितने मेंबर्स हैं वो जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और G20 में देखिए ये सारे मेंबर्स हैं, G20 समूह में हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कराया मैंने लिस्ट, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन। अब देखिए हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि G20 जो समूह है उसमें 19 प्लस यूरोपियन यूनियन ये देश मिलकर के एक समूह बनाते हैं, इसको बोलते हैं आप G20। ऐसा नहीं है कि 19+1 ले लोगे, आपने पूरा यूरोपियन यूनियन आएगा इसके अंदर, ठीक। तो यहाँ पे इसलिए भी लिखा है कि ले यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब देश इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पे एक मजेदार कॉन्सेप्ट दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने दोनों देशों के साथ जो पावर कंट्रीज आज के डेट में, एक तो जापान और अमेरिका, क्योंकि अभी आपने कुछ समय पहले सुना था कि भाई अमेरिका ने बार बार प्रेशर डाला इंडिया के ऊपर कि भाई कुछ जो टैरिफ है उनको कम करें, जो जैसे उनकी हार्ले डेविडसन बाइक है, ठीक है, तो उनके ऊपर टैरिफ कम करने को लेकर के बहुत ज़्यादा तम क्रैश चल रहा था, दो विवाद सा चल रहा था, छोटा मोटा था, उसको हम बहुत बड़ा विवाद नहीं कहेंगे, छोटा मोटा विवाद था। तो इसमें एक बात देखने वाली ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो खास तौर पे आजकल मतलब किसी की बिल्कुल मान ही नहीं रहे किसी भी देश की, जैसे अभी अभी उन्होंने COP21 था, तो COP21 जो हुआ था पेरिस क्लाइमेट में, तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने वहाँ से भी हाथ खींच लिया था, ठीक। तो इस प्रकार से वो कई और देशों से हाथ खींचने में लगे हुए हैं। और जबकि अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पर जो बैंक के गवर्नर हो गए और जो फाइनेंस मिनिस्टर वो मिलते हैं, तो यहाँ पर ये जो हैं ये सब तो हेड ऑफ स्टेट है। एक्चुअल में जो हेड ऑफ स्टेट मिले उनका मिलना कब हुआ, जब 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, ठीक है, 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस था ये। तो इस क्राइसिस के बाद में बात तय हुई कि ये जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट होंगे इस मीटिंग में, उनका होना भी जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर आ गए और कभी कभी गवर्नर आ गए, उन्होंने प्रॉब्लम देखी बताया आपस में डिस्कस कर लिया, लेकिन हेड ऑफ स्टेट जो होते थे वो इस बात को सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जब हेड ऑफ स्टेट खुद वहाँ पर अवेलेबल होंगे, खुद चीज़ों को देखेंगे, एनालिस करेंगे, तो उससे क्या हुआ, उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई जो समस्या चल रही है वो सबके सामने चल रही है। और यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट दिया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने,
वो कंसेप्ट है जय का। जय की फुल फॉर्म क्या है, देखिए इसमें जे का मतलब जो इसमें है वो है जापान, ए का मतलब है अमेरिका और आई का मतलब है इंडिया। और यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू उन्होंने बताया कि तीन देश ऐसे हैं जो आपस में अगर एक साथ मिलें और आगे बढ़े तो बहुत जल्दी हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन की जो स्थिति बढ़ रही है, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मानना कुछ उल्टा ही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि भाई ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज जैसी कोई समस्या है नहीं या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है नहीं। तो देश और बाकी देश मिलकर उनको समझाने में लगे हैं, अब देखना ये है कि वो कब इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर जो G20 समिट हुआ और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने यहाँ पर और भी कई कॉन्सेप्ट दिए, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ के ऊपर दिए हैं, ठीक है, और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, और क्या कहते हैं कनेक्टिविटी के ऊपर कि भाई कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और जो सी पायरेसी है उसके ऊपर ये बात की गई कि भाई सी पायरेसी रुकनी चाहिए। और जैसे इसमें एक और बहुत अच्छी बात है मोदी जी ने की, वो थी योगा को लेकर के, ठीक, योगा के बारे में बताया कि भाई योगा काम क्या करता है। योगा का नाम ही है योग, यानी कि जोड़ना। भाई योग जो है अगर आप उसको ऐसे देखें तो आप कहते हैं भाई दो संख्याओं का योग कीजिए, तो योग का काम ही है जोड़ना। तो जिस जो जो देश योगा को अपना करके आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो सबके सब एक दूसरे से जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो योगा को जो कॉन्सेप्ट दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया और उसकी एकदम इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही सराहना हुई है। और यहाँ पर कई बातें और भी डिस्कस की गई, जैसे कि G20 समिट में एक बात की गई है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं। अब भगोड़े आर्थिक अपराधी कौन हैं, जैसे आपके हो गए विजय माल्या जी, ठीक है, जो कई हज़ार करोड़ रुपए लेके भाग गए, तो विजय माल्या जी एक भगोड़े आर्थिक अपराधी हैं। और भी हैं जैसे नीरव मोदी, तो जो भी लोग इंडिया का पैसा लेकर किसी और देश में चले गए हैं तो उनके ऊपर लगाम कसने के लिए भगोड़ा आर्थिक का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उसमें क्या है, इन्होंने 9 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, 9 पॉइंट्स का फंडा दिया है कि भाई आप इसको एक एजेंडा भी कह सकते हो, फंडा तो मैं फंडा फंडामेंटल भी कह सकते हो, 9 पॉइंट फंडामेंटल से, लेकिन आप इसको एक एजेंडा कहोगे ज़्यादा बेटर होगा। तो और ये जो एजेंडा दिया है इन्होंने, ये दिया है इन्होंने एक त्रिपक्षीय बैठक में, ठीक है, त्रिपक्षीय बैठक इस चीज़ की थी जो कॉन्सेप्ट दिया मैंने अभी आपको जय वाला, ठीक है, तो उस बैठक में कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अंदर क्या होगा कि भाई दोनों देश आपस में कम्युनिकेट करेंगे कि भाई हमारे देश का कोई बंदा आपके यहाँ पैसा लेके भाग गया तो उसको आप हमें सौंप दीजिए, तो इससे जो लोग पैसा लेके भागने वाले आजकल रणनीति अपना रखे ना वो बंद हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये सब बातें कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। तो इन सब को लेकर के G20 समिट जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा। इन सब जो मुद्दों पर हमने डिस्कस किया, इन सब बातों को लेकर के जो क्या कहते हैं G20 समिट है वो बहुत ही खास रहा। और सबसे ज़्यादा खास क्यों था कि ये पहली बार किसी साउथ अमेरिका के देश में आयोजित किया गया है, और यहाँ पे मैंने आपको जितनी हो सकता था संभव जानकारी दी है, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।